हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि यूजीसी ने रिलीज किया है, जो कि रिलेटेड है MANF, जिसे हम लोग मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के नाम से भी जानते हैं। तो यूजीसी ने इसका जो रिजल्ट है MANF का 2019-20 सेशन का, उसे अपलोड कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि यूजीसी वेबसाइट पे, और देख लेते हैं कि आप उस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे बस टाइप करना है यूजीसी। जैसे ही आप यूजीसी टाइप करेंगे तो यूजीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है www.ugc.ac.in, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस दिखेगा, तो इस इंटरफेस में आपको जो यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको जाना है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन प्रेस रिलीज, तो इस प्रेस रिलीज पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस प्रेस रिलीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट, वो सब आपको दिखाई देंगे। तो इसके बाद आपको नोटिसेस पे क्लिक करना है, जो कि राइट हैंड साइड पे सबसे पहला है नोटिसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो 6 नंबर पे दे रखा है रिजल्ट मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स 2019-20। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो इसमें जो सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं या जो क्रिश्चियन है या जो मुस्लिम है, उन सबके लिए ये माइनॉरिटी जो फेलोशिप है ये होता है। जैसे कि आप लोग को पता है जो MANF फेलोशिप है ये मोस्टली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ठीक है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। अब इस नए विंडो पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन है दे रखा है नोटिफिकेशन डेटेड 31 जुलाई 2020, तो इसका जो रिजल्ट आ गया था वो 31 जुलाई को आ गया था। वहीं अगर बात करें सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट दे रखा है लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो गाइडलाइंस ऑफ स्कीम है। तो हम ये तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन ये पब्लिश हुआ था 31 जुलाई को, तो सबसे पहला हम लोग जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। जैसे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपका। तो इसमें देखिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये जो नोटिफिकेशन था रिजल्ट का MANF का वो 31 जुलाई को ही आ गया था यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो देखिए जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है, इट इज फॉर रिसर्च लीडिंग टू अवार्ड एमफिल या पीएचडी, यानी कि एमफिल या पीएचडी में आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस फेलोशिप का जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ और दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड बीन आइडेंटिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर द सिलेक्शन ईयर 2019-20। तो ये जो सिलेक्शन ईयर ये 2019-20 मेंशन किया है, ठीक है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और ये जो लिस्ट प्रिपेयर की है वो जून 2019 और दिसंबर 2019 के बेस पे ही प्रिपेयर की गई है, मैं जिसमें जिस जितने भी लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है जून 2019 में और दिसंबर 2019 में, तो उन लोग को मेरिट की बेस पे सिलेक्शन उनका किया गया है। इसके बाद आप जो अपना रिजल्ट देख सकते हैं www.ugcnetonline.in पे भी जाके आप जो है अपना चेक रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो कि उसका अलग से नोटिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है। तो इसमें बस नोटिफिकेशन था, साथ ही साथ उन्होंने कुछ एनेक्जर दिए हैं कि आपने फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करने के लिए इन सब एनेक्जर को आपको फिलअप करना है और यूजीसी को सेंड कर देना है। तो ये सब एनेक्जर है, ये सब आपको यूज होंगे जब आप ना जो फेलोशिप है उसे एक्टिवेट करेंगे। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, कि कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जून 2019 नेट एंड दिसंबर 2019 नेट की। तो देखिए इसमें दे रखा है कि थ्रो यूजीसी नेट हेड इन जून 2019, तो जून 2019 से 469 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रो यूजीसी नेट में 469 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। वहीं आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए थ्रो ज्वाइंट CSI यूजीसी टेस्ट हेल्ड इन जून 2019 से 131 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। वहीं दिसंबर 2019 से 526 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और
दिसंबर 2019 से 125 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। अब इन्होंने जो ये सिलेक्शन है ये मोस्टली मेरिट की बेस पे किया है, और इसमें एक प्रेफरेंस ये भी दिया गया कि जो बच्चे जो है पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड है तो उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया क्योंकि वो ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड जो नोटिस हम लोग देख लिया। अब देख लेते हैं जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर हम इसकी गाइडलाइंस देखें तो गाइडलाइंस में आपको यहाँ पे जितना भी है पूरी गाइडलाइन दे रखी है एमएनएफ की। ठीक है, तो देखिए जिसमें आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव है स्कोप ऑफ फेलोशिप देखना है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एलिजिबिलिटी मोड ऑफ सिलेक्शन नंबर ऑफ स्लॉट, तो आप यहाँ पे अपना सब देख सकते हैं। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ फेलो जैसे आपको पता है कि जेआरएफ 2 ईयर होगा, अगर आप एमफिल में ज्वाइन करते हैं तो 2 ईयर एज ए जेआरएफ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पीएचडी में ज्वाइन करते हैं तो 2 ईयर एज ए जेआरएफ और रिमेनिंग 3 ईयर एज ए एसआरएफ आपको जो फेलोशिप है वो मिलेगी। और अगर आप एमफिल पीएचडी दोनों में इनरोल्ड हो रहे हैं या आपने एमफिल पहले किया उसके बाद पीएचडी में ज्वाइन करते हैं तो 2 ईयर जो है आप वो एमफिल में फेलोशिप ले सकते हैं एज ए जेआरएफ और जो रिमेनिंग 3 ईयर वो आप पीएचडी में एज ए एसआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं। आप जो रेट ऑफ फेलोशिप वो जैसा कि मैंने बताया कि वो रिवाइज हो चुका है, तो अगर आप जेआरएफ फेलोशिप ले रहे हैं तो आपको 31,000 मिलेगा 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए। वही कंटिन्यूएंसी जो है वो 12,000 है आपकी पहले 2 ईयर के लिए एज ए जेआरएफ, और अगर आपका एसआरएफ होता है तो आपका जो कंटिन्यूएंसी है वो बढ़ के 25,000 पर एनम होगा रिमेनिंग 3 ईयर फॉर एसआरएफ के लिए। इसके साथ ही साथ एचआरए भी इन्होंने मेंशन किया 8%, 16% एंड 24%। अब ये जो एचआरए है ये डिपेंड करता है, अगर आप हॉस्टल से बाहर रह रहे हैं तो आपको 8% एचआरए मिलेगा, 16% 24% ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी या लोकेशन पे रह रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका जो एचआरए वो 24% हो जाएगा, वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका जो एचआरए है वो 16% आपको मिलेगा। तो इसके बाद ऐसा हॉस्टल भी अकोमोडेशन भी आपको मिलेगा, अगर आप एचआरए नहीं लेना चाहते तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी टर्म्स दे रखे हैं और जो स्पेसिफिक कंडीशन वो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या अगर एक चीज और देखने वाली है, अगर आपने पीएचडी में इनरोल्ड कर लिया है तो आपको ये फेलोशिप जो है वो 30 सितंबर से पहले जो है वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 30 सितंबर 2020 से पहले आपको जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक कोई भी कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है तो आप पीएचडी में इनरोल होइए, और इनरोल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए कि जो कि इस एमएनएफ से रिलेटेड थे, जो कि ऑलरेडी यूजीसी ही अफिलेटेड है, यूजीसी ही आपको पैसा देगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी पीएचडी में इनरोलमेंट नहीं लिया है तो आप पीएचडी में इनरोल्ड होइए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अपनी जो फेलोशिप है उसे एक्टिवेट करा सकते हैं। वहीं जो साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और आपने अभी तक अपना फेलोशिप एक्टिवेट नहीं कराया तो आप ये जो अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आप अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करा लीजिए, और जो ये एक्टिवेशन होगा वो आपको 30 सितंबर 2020 से पहले कराना है। तो जितने भी फॉर्म दे रखे एनेक्जर 1-2 करके, तो आपको वो फॉर्म फिलअप करिए, उसके साथ ही साथ इन फॉर्म्स को आप यूजीसी में भेज दीजिए ताकि आपका जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया एमएनएफ रिजल्ट आउट हो चुका है, और ये आप यूनिवर्सिटी की यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप ये देख सकते हैं। तो यहीं पे मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।